हेलो दोस्तों दोस्तों भी मैं फारूक नगर जाने के लिए आया था और एक्चुअली मेरे को एक बस स्टैंड के ऊपर एक गरीब इंसान बैठा हुआ दिखा, मेंटल टाइप, तो दिखाते हैं आपको। ये वो इंसान है जो बैठा हुआ है यहाँ पे बस स्टैंड पे, इनसे बात करते हैं, ये कुछ खाए पियेंगे तो इनको खिलाते पिलाते हैं कुछ, इनके पास आने की कोशिश करते हैं। पापा कुछ खाना है, कुछ पीना है, जूस पीना है, पी लो जूस पी लो, कुछ खाया पिया है, भूख लगी होगी आपको, नहीं लगी, जूस ले आता हूँ मैं। नहीं, कहाँ से हो? चंदू से, चंदू के रहने वाले हो तो घर बार भी होगा आपका। बाबा तो फिर ऐसे मतलब ऐसे क्या हो गया भाई जो आप ऐसे हो गए? मैं भूखों के लगे तो बाबा को खाना वाना खिला देते, दवाई वाई भी लेते हो कुछ, मतलब डिप्रेशन हो या कुछ और? कोई डिप्रेशन नहीं है, बेटे बेटे भी होंगे आपके? अच्छा कोई नहीं है, अच्छा तो कितने साल से हैं मतलब आप मंगलवार? तो दोस्तों मैंने इनसे बात करी लेकिन ये कुछ ये पास की है, चंदू की है, बट बोले कि काफ़ी साल से ऐसे ये खाने से और पीने से इन्होंने मना कर दिया। मैंने पूछा कि दोस्तों से कुछ खाना वाना खिलाऊँ। एक्चुअली ना सबसे प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको दिखे जो लाचार हो, बेबस हो, तो प्लीज़ उससे पूछो खाने पीने की, क्या पता आपका खाना पीना उसकी ज़िंदगी संवार दे और उसकी हेल्प हो जाए। तो मेरे को बड़ा अंदर से फील होता है यार कैसे, क्योंकि भगवान हमें भी ऐसा बना सकता है, लेकिन भगवान का शुक्रिया कि हमें ऐसा नहीं बनाया। तो आप सबसे ये अपील है, मेरी ऐसी जो छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे कैसे विचार लगते हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।